से स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए आयोजित किए जा रहे व्याख्यानों की श्रृंखला में मैं प्रोफेसर MS चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। MA, MSc, MCOM कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले इस लोकप्रिय प्रश्न पत्र ऑपरेशंस रिसर्च का यह तीसरा व्याख्यान है। आज के व्याख्यान से संबंधित आइए हम जानकारी हासिल। चर्चा कराया मैं प्रोफेसर MS चौहान, इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन भोपाल में गणित विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस व्याख्यान के कंटेंट रिव्यूअर डॉक्टर MK शुक्ला जी हैं, जो HOD डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन भोपाल में कार्यरत। इस प्रकार है, सब्जेक्ट का नाम जैसा आप मैंने आपको बताया कि मैथमेटिक्स है। यह प्रश्न पत्र MSc फाइनल ईयर के थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। इस विषय को पढ़ने से पूर्व हमें जिन चीजों की जानकारी होना चाहिए उनमें फंक्शंस, मैट्रिक्स, वेक्टर्स, हाइपरप्लेन्स, हाइपर स्पेसिस, कॉन्वेक्स सेट्स, एक्सट्रीमा, क्वाड्रेटिक फॉर्म्स आदि चीजों की जानकारी होनी चाहिए। इस व्याख्यान को पूर्ण करने के बाद विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि वे ऑपरेशन रिसर्च के करेक्टरिस्टिक्स, मॉडल्स, मॉडल्स का क्लासिफिकेशन और विभिन्न प्रकार के मॉडल के बारे में जानेंगे। आज के व्याख्यान का जो शेड्यूल है वो इस प्रकार है। कंटेंट टू बी डिलीवर्ड, इंट्रोडक्शन, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ OR, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडल्स एंड फाइनली वी विल समराइज द लेक्चर। इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा जानते हैं OR के बारे में। यद्यपि हमने पहले OR के बारे में इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स दिए हैं। OR इज द साइंस ऑफ रैशनल डिसीजन मेकिंग अलोंग विद द स्टडी ऑफ द सिंथेटिक ऑफ इंट्रिकेट प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस। इट्स एम इज टू डिटरमाइन द सिस्टमेटिक बिहेवियर ऑफ द सिस्टम एंड हैंस ऑप्टिमाइजिंग द परफॉर्मेंस। लेटेस्ट 2008 में जेनेवा में ग्लोबल मीटिंग जो हुई OR की, उसने इसकी परिभाषा जो दी है, एनी रिसर्च प्रोड्यूसिंग प्रैक्टिकल यूजेबल नॉलेज दैट इज एविडेंस फाइंडिंग इंफॉर्मेशन एटसेट्रा विच कैन इम्प्रूव प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिवनेस इफिशियंसी क्वालिटी एक्सेस स्केल अप एंड सस्टेनेबिलिटी रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑफ द रिसर्च डिजाइन मेथोडोलॉजी और अप्रोच फॉल्स विद इन द बाउंड्रीज ऑफ OR। सो दिस इज वेरी वाइड डेफिनेशन ऑफ OR। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हर प्रकार की OR, हर प्रकार की रिसर्च जिसका प्रैक्टिकल उपयोग होता है, प्रैक्टिकली उपयोग में आती है, उसे हम OR की श्रेणी में ला सकते हैं। स्लैक, ब्रेंडन जॉन्स, जॉनस्टन एंड ब्रेट्स ने OR के इंपॉर्टेंस को बताते हुए लिखा है, एवरीथिंग वी ईट, सिट ऑन, यूज, रीड और नॉक अबाउट ऑन द स्पोर्ट्स फील्ड कम्स टू यू कॉर्टेसी ऑफ द ऑपरेशंस मैनेजर हु ऑर्गेनाइज इट्स प्रोडक्शन। यानी ये सब कुछ चीजें जो हम जिन पर बैठते हैं, जो हम खाते हैं, खेल के मैदानों में उपयोग करते हैं, ये सब ऑपरेशन
प्रोजेक्ट्स मैनेजर्स की का विफल होता है, उनके द्वारा किए गए कामों के फलस्वरूप हम प्राप्त कर पाते हैं। आइए जानते हैं कि ऑपरेशंस क्या है, जैसे कि इस वर्ड में है, इस सब्जेक्ट के वर्ड में ऑपरेशंस रिसर्च। व्हाट आर द ऑपरेशंस? ए सीरीज ऑफ जॉब्स और प्रोसेस विच इज अंडरटेकन इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर टू इंश्योर दैट प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड टू ए हाई क्वालिटी व्हेन दे आर रिक्वायर्ड एंड देन डिलीवर्ड टू द कस्टमर और एंड यूजर। तो ये ऑपरेशंस हैं कि जो चीज़ें बनती हैं उनके बारे में जो काम किए जाते हैं उनकी श्रेणी को, उनकी सारी श्रेणी ऑपरेशंस श्रेणी कहलाती है, यानी ऑपरेशंस के अंतर्गत आती है। ये जिस मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, ऑपरेशन रिसर्च का जो मुख्य मुद्दा है, उस ऑपरेशन मैनेजमेंट के एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो ये करता है रिडक्शन इन कॉस्ट्स, इंक्रीज इन टर्नओवर, रिडक्शन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इम्प्रूवमेंट इन एफिशिएंसी, ग्रोथ इन बिजनेस थ्रू इनोवेशन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ओआर की लोकप्रियता और व्यापकता हर जगह उजागर हो रही है और इसके कारण हम काफी दिन प्रतिदिन प्रगति करते जा रहे हैं। आइए अब आज के व्याख्यान में जो मुख्य विषय हमारा करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ओआर है उसके बारे में जानते हैं। ओआर के करैक्टरिस्टिक्स इतने बहुआयामी हैं कि जिन्हें गिन पाना एक व्याख्यान में अत्यंत कठिन है, लेकिन फिर भी हम कुछ इसके लक्षणों पर बात करेंगे। जैसे पहला लक्षण है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इस सब्जेक्ट में जैसा हमने पिछले व्याख्यानों में भी बात की है कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच काम करती है, यानी इस विषय में एक विषय के व्यक्ति सम्मिलित नहीं होते, कई विषयों के व्यक्तियों को सम्मिलित करके एक टीम बनाई जाती है और वो टीम काम करती है। द कंपोजिशन ऑफ ओ आर टीम इज हेटरोजीनियस इन नेचर। इट कंप्राइजेज ऑफ साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस, टेक्नोक्रेट्स एंड साइकोलॉजिस्ट टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स विच आर बियॉन्ड द एनालिटिकल एबिलिटी ऑफ वन पर्सन। हेंस पीपल फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशंस रिसर्च प्रॉब्लम who applies their special knowledge acquired through experience to get a better view of cause and effect of the event in the problem and to get optimal solution। अर्थात heterogeneous team में अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग जो काम होते हैं वे अपने करते हैं और इस तरह से एक दिए हुए टास्क को पूरा किया जाता है। दूसरा जो करैक्टरिस्टिक है वो इसका है यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड, यानी इसमें जो काम करते हैं वो किन्हीं कहानियों किस्सों के आधार पर या नहीं करते, हम साइंटिफिक मेथड्स का उपयोग करते हैं। यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इज द इम्पॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक ऑफ ओआर विच रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ मेकिंग रॉन्ग डिसीजंस। इन दिस मेथड देयर इज नो प्लेस ऑफ गैस वर्क, यानी अनुमान का कोई काम नहीं है कि अनुमान के आधार पर हम काम करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि साइंटिफिक मेथड जो होती है वो एक स्पेशल प्रक्रम होता है, जैसे पहला इसका पहला स्टेप है वो ऑब्जर्वेशन, आपको चित्र में दिखाई दे रहा है ऑब्जर्वेशन, फिर उसके बाद में क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के बाद हाइपोथेसिस बनाते हैं, हाइपोथेसिस के बाद में एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट के बाद में कंक्लूजन निकालते हैं और कंक्लूजन के बाद में रिजल्ट होता है। तो दिस इज कॉल्ड द साइंटिफिक मेथड विच इज यूज्ड इन ओआर। ओआर के सारे प्रक्रमों में इस तरह से साइंटिफिक मेथड का उपयोग किया जाता है। तीसरा है यूज ऑफ क्रिएटिविटी
इन क्वालिटी ऑफ डिसीजंस। क्रिएटिविटी का यूज भी यहाँ किया जाता है, हर काम को केवल साइंटिफिक ढंग से ही नहीं कर दिया जाता, बल्कि उसे क्रिएटिव तरीके से, कितनी अच्छी तरीके से किया जा सकता है, रोचक ढंग से किया जा सकता है, उसका उपयोग भी पूरा किया जाता है। द सिस्टमेटिक यूज ऑफ लॉजिकल मेथड्स आर यूज कंटिन्यूसली टू इम्प्रूव द डिसीजन अबाउट सॉल्यूशन ऑफ ओवर प्रॉब्लम, सो ऑपरेशन रिसर्च इंक्रीजेज द क्रिएटिव एबिलिटी ऑफ द डिसीजन मेकर। तो दिस इज द थर्ड करेक्टरिस्टिक ऑफ ओवा। चौथा करेक्टरिस्टिक है इसका यूज ऑफ कंप्यूटर्स, दिस इज द बिग कॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ ओआर। कंप्यूटर्स के उपयोग से इसका विकास में तेजी आई है। यूज ऑफ कंप्यूटर्स प्ले ए बिग रोल इन सॉल्यूशन ऑफ बिग कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल एंड लॉजिकल प्रॉब्लम्स इन ओआर। कंप्यूटर्स मैनिपुलेट ए लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस दैट आर इन्वॉल्व इन द प्रॉब्लम एंड गिव्स बेटर सॉल्यूशन इन द सेट ऑफ अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। दस विथ द यूज ऑफ कंप्यूटर्स इट इज पॉसिबल टू हैंडल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स रिक्वायरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कैलकुलेशंस, जो कि ह्यूमन के द्वारा इतनी बड़ी गणनाएं करना संभव नहीं था। कंप्यूटर्स के आने से इसमें बड़ी क्रांति आई है ओआर में। तो ये यूज ऑफ कंप्यूटर्स ओआर का चौथा करेक्टरिस्टिक। पांचवा करेक्टरिस्टिक है क्वालिटी सॉल्यूशन। इन ओआर साइंस बेस्ड अप्रोचेज आर बेस्ड टू एनालाइज द प्रॉब्लम्स, देयरफॉर डिसीजन बेस्ड ऑन दीज अप्रोचेज आर क्वालिटेटिव। यानी केवल संख्यात्मक दृष्टि से ही शुद्धता नहीं होती ओआर के रिजल्ट्स में, बल्कि यहाँ पर क्वालिटी का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। इसलिए क्योंकि साइंटिफिक मेथड्स का उपयोग होता है, क्वालिटेटिव डिसीजंस के लिए हम कुछ स्टेप्स करते हैं, उन्हें हम देख सकते हैं। डिफाइन प्रॉब्लम एंड इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स, क्या प्रभावित करेंगे, कौन से कारक। दूसरा, एस्टेब्लिश डिसीजन क्राइटेरिया, किस तरह से करेंगे। सिलेक्ट डिसीजन मेकिंग टूल, मॉडल बनाएंगे। आइडेंटिफाई एंड इवेलुएट अल्टरनेटिव यूजिंग डिसीजन मेकिंग टूल, उसका विकल्प भी देखेंगे। सिलेक्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, उनमें से सर्वोत्तम विकल्प का चयन करेंगे। एंड इम्प्लीमेंट द डिसीजन, और फाइनली इम्प्लीमेंट करके इवेलुएट द आउटकम, और अंत में उसका मूल्यांकन किया जाएगा। इस तरह से हम क्वालिटेटिव सॉल्यूशन ओआर के द्वारा निकाल पाते हैं। छठा करेक्टरिस्टिक इसका है ह्यूमन फैक्टर। इन डेराइविंग क्वांटिटेटिव सॉल्यूशन वी डू नॉट कंसीडर ह्यूमन फैक्टर विच प्ले ए ग्रेट रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, बट ह्यूमन फैक्टर इज इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन ऑफ डिसीजन मेकिंग। यद्यपि गणनाओं में हम ह्यूमन फैक्टर का उपयोग नहीं करते, लेकिन डिसीजन मेकिंग में ह्यूमन फैक्टर का उपयोग करके ओआर में काम किया जाता है। सो दिस इज द बिग करेक्टरिस्टिक ऑफ ओआर। सातवां करेक्टरिस्टिक, ऑप्टिमाइजेशन द टोटल आउटपुट। हमेशा आउटपुट को ऑप्टिमाइज किया जाता है। द मेथड्स ऑफ ऑपरेशन रिसर्च प्रोवाइड द एनालिटिकल टूल दैट गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन टू द डिसीजन मेकर एंड इन मैनी केसेज अलाउ ऑप्टिमल डिसीजंस टू बी प्रेस्क्राइब्ड। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ओ आर ट्राइज टू ऑप्टिमाइज बाय मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट एंड मिनिमाइजिंग द लॉस। जैसा कि हम देखते हैं कि लगातार कंप्यूटर के उपयोग से हम अपने आउटपुट को चेक करते हैं, और चेक करने के बाद में क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है उसको चेंज करने का, मैक्सिमाइज करने का विकल्प होता है, इसलिए हम ओआर मेथड्स में अपने आउटपुट को ऑप्टिमाइज कर पाते हैं, मैक्सिमम कर पाते हैं, सर्वोत्तम रिजल्ट ले पाते हैं। आठवां
करेक्टरिस्टिक ओआर का है इकोनॉमिकल मॉडल्स। इकोनॉमी का भी यहाँ पूरा ध्यान रखा जाता है कि किस तरह से कम बजट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लिया जाए, कम से कम बजट में ज़्यादा से ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए, किस तरह से कम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट लिया जाए। इस तरह से यहाँ पर इकोनॉमिकल मॉडल्स का उपयोग करके ओआर को ओआर में काम किया जाता है। नाइन्थ करेक्टरिस्टिक है इसका पैरामेट्रिक टेस्ट, पैरामेट्रिक यूज ऑफ द ऑपरेशंस। पैरामेट्रिक यूज ऑफ द ऑपरेशंस का मतलब ये होता है कि हम मेन मुख्य साइट पर न जाके दूर से उसका काम करके उसके बारे में ज्ञान हासिल करते हैं और जो प्रोजेक्ट है रियल साइट है उसके बारे में लगातार सुधार करने की कोशिश करते हैं, तो पैरामेट्रिक टेस्ट का उपयोग करते हैं ओआर में। पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं थोड़ा सा हम जानते हैं। मेनली यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव डेटा फॉर कंटिन्यूस वेरिएबल्स व्हेन डेटा मेजर्स ऑन एन अप्रोक्सीमेट इंटरवल यह डेटा फॉलोज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। टाइप ऑफ द पैरामेट्रिक टेस्ट जो लगाते हैं टी टेस्ट, एनोवा टेस्ट, पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड जेड टेस्ट। इस तरह से साइट पर बिना जाए हुए सैंपलिंग द्वारा हम पैरामेट्रिक कनेक्शन से इसको काम को पूरा करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ पैरामेट्रिक टेस्ट डोंट रिक्वायर डेटा, पूरे डेटा की जरूरत नहीं होती है। वन ऑफ द बिगेस्ट एंड बेस्ट एडवांटेज ऑफ यूजिंग पैरामेट्रिक टेस्ट इज फर्स्ट ऑफ ऑल दैट यू डोंट नीड मच डेटा दैट कुड बी कन्वर्टेड इन सम ऑर्डर और फॉर्मेट ऑफ रैंक्स। ज़्यादा डेटा की जरूरत नहीं पड़ती, हम केवल मीन का उपयोग करके डिसीजन लेते हैं। क्वालिटी इजी टू कैलकुलेट देम। अनदर बिग एडवांटेज ऑफ यूजिंग पैरामेट्रिक टेस्ट इज द फैक्ट दैट यू कैन कैलकुलेट एवरीथिंग सो इजीली। थर्ड एडवांटेज है पैरामेट्रिक टेस्ट का, प्रोवाइड्स ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द पैरामेट्रिक टेस्ट इज दैट दे गिव यू रियल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पॉपुलेशन विच इज इन टर्म्स ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल एज वेल एज द पैरामीटर। Other benefit of the parametric test are the parametric test can perform quite well when they have spread over group happens to be different. Next characteristic OR का है deals with real world problem। जैसा कि दिखाई दे रहा है दुनिया की वास्तविकताओं के बारे में जो problems हैं उन problems के solution में मुख्य जोर होता है ओआर का, ओआर टीम का, कि वास्तविक जो समस्या है उनको कैसे हल किया जाए। सो दिस सब्जेक्ट डील्स विथ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। इलेवेंथ करेक्टरिस्टिक इसका अगर बात करें तो एनालिटिकल अप्रोच, यहाँ पर विश्लेषण किया जाता है समस्याओं का, एनालिसिस करने के बाद ही डिसीजन लिया जाता है, न कि कोई कंप्यूटर में न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करने के बाद में डिसीजन ले लिया जाए, बल्कि स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करने के बाद हम ओआर में डिसीजन लेते हैं। तो एनालिसिस में सबसे पहले कंसीडर, पहले तो बिल्ड ए नैरेटिव, शेयर द लोड, कोलैबोरेट योर नीड्स, Establish questions, harvest data, set KPIs, omit unless data, conduct statistical analysis, build a data management roadmaps, integrate technology, answer questions, visualize data, implement text analysis,
and drill into diagnostic analysis and consider autonomous technology. So these are the some steps by which we analyze the approach. We analyze the problem. चलिए ये characteristics के बारे में हुई. अब हम अगला इसी व्याख्यान का दूसरा हमारा हिस्सा है models, जो कि OR का महत्वपूर्ण अंग है. इनके बिना OR का काम पूरा नहीं होता. So let us discuss models in operations research. A model in operation research is a simplified representation of an operation or a process in which only the basic aspects or the most important features of a typical problem under investigation are considered. This is the general view about the model. What model kya hai? This is the real picturization of the reality. Let us have a look on the picture. A real world and assumed real world. In model, we take the assumed real world, a very compact part of the real world, which consists of the specialities of the real world. The approximation or abstraction maintaining only the essential element of the system, which may be constructed in various forms by establishing relationships among specified variables and parameters of the system, is called model. The advantage here is the model's correspondence with the reality of appearance. In other words, the model user can tell exactly what the proposed object will look like before making a major investment. तो model का ये सबसे बड़ा लाभ है कि हमें पूर्वानुमान हो जाता है कि हम जहाँ काम करने वाले हैं वो कैसा होगा, उसका रिजल्ट कैसा आने वाला है. So this is the specialty of model. This is the brief classification of the model: iconic model, analog model, verbal model, and mathematical model. A model is an abstraction of reality or a representation of real object or situation. वास्तविकता का एक झलक होती है मॉडल. In other words, a model present a simplified version of something. It may be as simple as drawing of house plans or as complicated as a miniature, but functional representation of complex pieces of machinery. A model aeroplane may be assembled and glued together from a kit by a child, or it actually may contain an engine and a rotating propeller that allows it to fly like a real aeroplane. A model is a careful selected abstraction of reality. This is the compact definition of model. Now let us consider objectives of models. The objective of a model is to provide a means for analyzing the behavior of the system for the purpose of improving its performance. Yani iske sudhar ke liye, iske characteristics ke ka adhyan karna aur usme suggestion dena. This is the objective of model. A good model has following main characteristics. Kya characteristics hain good model ke? It should be capable of taking into account new formulation without having any change in its frame. Assumptions made in the model should be as small as possible. It should be open to parametric type of treatment. Parametric type of treatment jaruri hai, otherwise real site par jana mushkil hota hai. It should not take much time in its construction for any problem. It should be easy and economical to construct. A model must be used minimum number of variables.
So these are the advantage of the characteristics of the models, good models. Now let us discuss advantage of the models. It describes problem more concisely. It provides some logical and systematic approach to the problem. It indicates limitation and scope of the problem. It facilitates dealing with the problem in its entirety. It enables the use of high-powered mathematical techniques to analyze the problem. It helps in finding avenues for new research and improvement in the system. There are some disadvantages of the model, or limitation of the model, or drawbacks of the model. Models are only an attempt to understand an operation and should never be considered as absolute in any sense. समग्रता का कभी रिप्लेस नहीं कर सकते मॉडल. एक संक्षिप्त रूप होता है, लघु रूप होता है किसी प्रॉब्लम का. तो ये इसका ड्रॉबैक है. दूसरा ड्रॉबैक, द वैलिडिटी ऑफ एनी मॉडल कैन ओनली बी वेरीफाइड बाय कैरिंग ऑन एक्सपेरिमेंट एंड रेलेवेंट डेटा करेक्टरिस्टिक्स. करेक्ट डेटा करेक्टरिस्टिक वेरीफाई करने के बाद ही हम इसके रिलेवेंसी तय कर सकते हैं, अदरवाइज कभी कभी इनवैलिड हो जाता है. नाउ have a look on the classification of models. Physical models, sabse pehla physical models ke do prakar hote hain, iconic model aur analog model. dusre tarah ke model hote hain schematic model. isme do prakar hain schematic models ke, graphs and charts, aur dusra diagrams and drawings. teesre tarah ke model verbal model hote hain. चौथे तरह के मॉडल मैथमेटिकल, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ओआर के अध्ययन में. मैथमेटिकल मॉडल्स में एक तो यूज की दृष्टि से अगर मैथमेटिकल मॉडल्स को क्लासिफाई करें तो एक डिस्क्रिप्शन मॉडल और ऑप्टिमाइजेशन मॉडल्स होते हैं. दूसरा, डिग्री ऑफ रैंडमनेस की दृष्टि से अगर मैथमेटिकल मॉडल्स को बांटें तो डिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल होते हैं. और डिग्री ऑफ स्पेशलिटी की दृष्टि से देखें तो स्पेसिफिक मॉडल और जनरल मॉडल्स होते हैं. सो दिस इज द गुड क्लासिफिकेशन ऑफ द मॉडल. देयर आर अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडल्स विच वी डिस्कस इन लेटर पार्ट ऑफ द आवर लेक्चर. सम मॉडल्स आर रेप्लिका ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट. दे रिप्रेजेंट others are physical models but do not have the same physical appearance as the object of their representation. A third type of model deals with the symbols and numerical relationships and expressions. Each of these fits within a overall classification of four main categories: physical model, schematic models, verbal models and mathematical models, which we have seen. Now let us have a look on the characteristic of physical models. These models provide a physical appearance of the real object under study, either reduced in size or scaled up. Physical models are useful only in design problems because they are easy to observe, build and describe. Physical models are the one that look like the finished object which they represent. तो इस तरह से हम फिजिकल मॉडल्स को देख पाते हैं, कई जगह दिखाई देते हैं फिजिकली, लेकिन संक्षिप्त रूप होता है. बड़ी प्रोजेक्ट के फिजिकल मॉडल्स हमने देखे हैं, रेल के फिजिकल मॉडल्स देखे हैं. इन एडिशन टू लुकिंग लाइक द ऑब्जेक्ट, दे रिप्रेजेंट सम मॉडल परफॉर्मेंस एज देयर काउंटर पार्ट वुड. This allows experiment to be conducted on the models to see how it might perform under actual operating conditions. Scale models of aeroplane can be tested in wind tunnels to determine aerodynamics properties and the effect of air turbulence on their outer surfaces. Automobiles can be exposed to
similar tests to evaluate how wind resistance affects such variables as handling and gas mileage. Models of bridges and dams can be subjected to multiple levels of stress from wind, heat, cold, and other sources in order to test such variables as endurance and safety. A scale model that behaves in a manner that is similar to the real thing is far less expensive to create and test than its actual counterpart. These type of models often are referred as to prototype of the models. Okay. Additionally, some physical models may look exactly like their object of representation, but the close enough to provide some utility. Many modern art statues represent some object of reality, but are so different that many people cannot clearly distinguish the object they represent. These are known as analog models. And examples is the use of cardboard cutout to represent the machinery without utilizing within a manufacturing facility. This allows planners to move the shapes around enough to determine an optimal plant layout. Let us have a look on iconic models. Iconic models are exact or extremely similar replicas of the object being modeled. Analog models, in which the one set of properties is used to represent another set of properties, are called analog models. Schematic models. Schematic models were very interesting. Schematic models are more abstract than physical models. While they have some visual correspondence with reality, they look much less like the physical reality they represent. Physical reality की अपेक्षा ये schematic models जो होते हैं वो कम represent करते हैं, similar कम होते हैं, लेकिन characteristic को represent जरूर करते हैं. Schematic models में हम कहते हैं models are more abstract than physical models. Graphs and charts are the good example of schematic models that provide pictorial representation of mathematical relationships. Plotting a line on a graph indicates a mathematical linear relationship between two variables. Two such lines can meet at one exact location on a graph to indicate the break-even point, for instance. Pie chart, bar chart, and histograms can all model some real situation, but really bear no physical resemblance to anything. So these are the schematic models. Verbal models use words to represent some object or situation that exist or could exist in reality. Verbal models may range from a simple word presentation to scenery described in a book to a complex business decision problems described in words and numbers. A film's mission statement is a model of its beliefs about what business it is in and sets the stages for the film's determination of goals and objectives. इसी तरह से हर इंस्टीट्यूशन का कुछ ना कुछ मोटो होता है, मोटो स्टेटमेंट होता है, मिशन स्टेटमेंट होता है. ये स्टेटमेंट भी एक तरह से मॉडल है उस इंस्टीट्यूशन का. नाउ लेट अस हैव अ लुक ऑन द मैथमेटिकल मॉडल्स. मैथमेटिकल मॉडल्स आर परहैप्स द मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट ऑफ अवर फोर क्लासिफिकेशंस. दीज मॉडल्स डू नॉट लुक लाइक their real life counterpart at all. बिल्कुल अलग होते हैं. Mathematical models are built using numbers and symbols that can be transformed into functions, equations, and formulas.
Now let us have a look on the problem of a mathematical model. It is the problem. There are two types of computers to be built. Profit per unit $60 and $50. Assembly time per unit 4 hours, 10 hours. Inspection time per unit 2 hours, 1 hour. Storage space per unit 3 cm³, 3 cm³. Resources amount available. Assembly time के लिए हमारे पास 100 घंटे हैं, inspection time के लिए 22 घंटे हैं और storage time के लिए 39 cm³ space है. हमको तय करना है कि कौन सा कंप्यूटर कितनी संख्या में बनाया जाए, टाइप 1 कंप्यूटर या टाइप 2 कंप्यूटर. टाइप 1 के कितने पीसेज बनाए, टाइप 2 के कितने पीसेज बनाए, जिससे कि मैक्सिमम प्रॉफिट मिले. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए मैथमेटिकल मॉडल व्हिच इज डिसाइडेड इन द ओआर. डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स. डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स आर दोज व्हिच द वैल्यूज ऑफ देयर वेरिएबल इज नोन विथ सर्टेनिटी. इन ए प्रीवियस एग्जाम्पल द मैनेजर्स नो न्यू प्रॉफिट मार्जिन्स एंड कॉन्स्टेंट वैल्यूज विथ सर्टेनिटी. दिस मेक्स द लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल एंड डिटर्मिनिस्टिक ऑप्टिमाइजेशन मॉडल. तो इस तरह के डिटर्मिनिस्टिक मॉडल में हमें पता है कि कितना प्रॉफिट होने वाला है, पहले से निश्चित है. लेकिन दूसरे तरह के मॉडल जिनको हम स्टोकेस्टिक मॉडल या प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल कहते हैं, इस तरह के मॉडल्स में पहले से हमें पता नहीं है, प्रोबेबिलिटी के आधार पर रिजल्ट तय होता है. फॉर एग्जांपल, ए मैन्युफैक्चरर दैट इज हैविंग ए ट्रबल डिसाइडिंग वेदर टू बिल्ड ए लार्ज और स्मॉल फैसिलिटी नोज दैट द सॉल्यूशन ऑफ दिस कैपेसिटी प्रॉब्लम डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ डिमांड दैट मटेरियलाइज्ड. यानी कोई चीज कितनी बनाना है, ये इस बात पर निर्भर करेगी कि मार्केट में किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है. फॉर एग्जांपल, आप देख सकते हैं कि मार्केट में जो शू बनाने की फैक्ट्रीज हैं, वो सबसे ज्यादा 6-7 नंबर शूज बनाते हैं, क्योंकि इनकी बिकने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है. तो इस तरह के मॉडल्स बना के पहले स्टडी करते हैं और फिर इंडस्ट्री अपना प्रोडक्शन करती है. स्पेसिफिक मॉडल्स अप्लाई टू ओनली वन सिचुएशन और मॉडल वन यूनिक रियलिटी. केवल एक के लिए बनाए जाते हैं, एक वास्तविकता को मॉडल करने के लिए, जबकि जनरल मॉडल्स में कई चीजें मॉडल की जा सकती हैं एक ही मॉडल से. सो दिस इज द डिफरेंस. अदर टाइप ऑफ मॉडल्स कैन बी डिसाइडेड. नाउ लेट अस have a look on the benefit of the model use. The goal of modeling use is to adequately portray realistic phenomena. Now let us have a look on the construction of models. Step of the models. सबसे पहला step है understand the situation. दूसरा step है define the problem. तीसरा step है define objectives. And fourth step is diagnose the problem. Develop the alternative, evaluate alternative, choose best alternative, implement alternative, and finally get the result. So these are the steps to construct models. Now I have a look on decision making model. Objective setting, information gathering, generation of alternatives, evaluation of alternatives, selection of alternatives and implementation of the result, and monitor and control. So we can decide the model. Now have a look on the models classification. Another classification, we can classify the models on various point of views. What are the point of views? By degree of abstraction, by function or purpose, by structure, by nature of environment, by behavior, by method of solution, quantitative models and qualitative models. इस तरह से हम इनके classification को कर सकते हैं. आज के जो व्याख्यान में उसमें हमने इस तरह से models और characteristics के बारे में जाना.
आइए आज के जो हमने अध्ययन किया है उसके बारे में असेस करते हैं कि हमने कितना ज्ञान हासिल किया है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट स्टेप इन सॉल्विंग ऑपरेशन रिसर्च प्रॉब्लम इज, फोर ऑप्शंस हैं आपके सामने, मॉडल कंस्ट्रक्शन, ऑब्टेन अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, ऑब्टेन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सो थिंक एंड इन लास्ट आई विल गिव यू आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, द मॉडल विच गिव्स फिजिकल और वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम इज, वट इज द करेक्ट आंसर, एनालॉग मॉडल, स्टैटिक मॉडल, आइकॉनिक मॉडल और सिम्बॉलिक मॉडल। थर्ड क्वेश्चन है, वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द ओआर मॉडल इज, मॉडल शुड बी कॉम्प्लिकेटेड, मॉडल शुड बी ग्रास्प द रियलिटी, मॉडल शुड बी इजी एंड मॉडल शुड बी हाइपोथेटिकल। आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज, ओआर अप्रोच टिपिकली बेस्ड ऑन द यूज ऑफ फिजिकल मॉडल, आइकॉनिक मॉडल, डिस्क्रिप्टिव मॉडल या मैथमेटिकल मॉडल। चार ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन बताना है। पांचवा प्रश्न है, लीनियर प्रोग्रामिंग इज टाइप ऑफ प्रेडिक्टिव मॉडल, एनालॉग मॉडल, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल या नॉर्मेटिव मॉडल। तो विद्यार्थियों, इनके आपने उत्तर सोच लिए होंगे। आइए इनके उत्तरों पर, सही उत्तर हम आपको बताते हैं। पहले का डी है, दूसरे का सी है, तीसरे का बी है, चौथे का डी है और पांचवे का भी डी है। तो इस तरह से विद्यार्थियों, आज हमने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओआर तथा विभिन्न प्रकार के मॉडल्स के बारे में जानकारी हासिल की। इसके फर्दर रेफरेंस के लिए हम दे सकते हैं, इस साइट पर जाके हम लोग और जानकारी हासिल कर सकते हैं। ऑपरेशन रिसर्च मैनेजमेंट बुक है, इसको हम पढ़ सकते हैं। सो दीज आर, थैंक यू वेरी मच। अगले व्याख्यान में फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू।